करता है ना सर, यहीं पे खेलता है, उसको तो रोकता भी नहीं है कोई। तो नहीं ना, उनको वापस भेज दूंगा कहीं खेला जा रहा तो। अमाद अमाद बाहर आ जाओ, तू नहीं फंसना बिलाओ, या तेरा काम ही नहीं है। अबे तो बहस कर रहा है ना पटू की यार, नॉर्थ कराची में बट्टा लाओ तो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता यार, वो खेल नहीं रहे। नहीं नहीं, आप लोगों की वजह से ना ये तीन चार लड़के बैन होंगे, मेरे टूर्नामेंट में कभी भी नहीं दिखेंगे, और ये इनका नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। सो गाइस, हम लोग जो टॉस था ना सेमीफाइनल और फाइनल का, जैसे मैं और मुन्ना एक स्टेज पे थे कि हम में से टॉस करके एक फाइनल में जा सकता है, तो वो हम जीत गए थे, लेकिन हमने मुन्ना को फाइनल में भेज के खुद सेमीफाइनल खेला, क्योंकि क्रिकेट खेलनी है, इम्प्रूव करना है, आप लोगों को कॉन्टेंट दिखाना है। अगर डायरेक्ट फाइनल में जाते हो तो एक मैच मिलता, अगर ये ऑप्शन ये है कि अगर ये हम मैच जीते तो एक और मैच मिलेगा। सेमीफाइनल एक अच्छी साइड से, अजीम भाई हैं वहाँ से, खिजर वगैरह हैं, एंड शाहरुख शहरी हुसैन है, तो बहुत अच्छी साइड है। हमारे कुछ पुराने लड़के हैं, मामू और आहद, शाहरुख शहरी उन साइड से खेल रहे हैं। वो पुराने लड़के ऐसे थे कि होता है अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखा था, शायद वो पहले हमारे साथ ही खेलते थे, लेकिन वो अचानक स्विच हो गए रमज़ान में, और उसी के बाद से अल्लाह पाक ने हमें फेम दे दिया। खैर है, पार्ट ऑफ अ डे है, अभी कोशिश करेंगे तीन ओवर में रन लगाएं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, अगर हम रन लगा देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। कोशिश करेंगे 50 रन पर जाएँ, क्योंकि 50 रन करते तो हमारे पास मोहसिन स्पिनर है, अपना एहसान है, और एक दूसरा एहसान है, बच जाएगा इंशाल्लाह ताला मैच। अब चलते हैं, और बाकी आप बॉयज़ से पूछेंगे कितने रन लगाने चाहेंगे। भाई सीन ये है कि हमारी बैटिंग आएगी, मैं और मान है, वन डाउन हारिफ भाई को रखेंगे, सेकंड ओवर पठान बाबू को, थर्ड डाउन रखेंगे जिसका अच्छा बैट चल रहा है उसको भेज, क्योंकि तीन ओवर की गेम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसके अलावा बैट्समैन है नहीं, हम बात बैटमैन है भाई। कोशिश करो कि आप लोग तीन ओवर खेलो, उस्मान तेरे पे मैच है, तेरा तू हमेशा अच्छा खेलता है इस ग्राउंड में, अभी तेरा बैट अच्छा आ रहा है, कोशिश करो ये तीन ओवर तुम लोग खेलो, रन अच्छे हो जाएंगे। चले गाइस, हमारा सेमीफाइनल जो है वो स्टार्ट हो गया, और बहुत तगड़ी टीम से है, ये आपको अहमद दिख रहे होंगे बॉलर अंपायर के पीछे, साकिब स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कराची की टीम है, बहुत अच्छी टीम है, ऑल ओवर दी पाकिस्तान वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं, अच्छी टीम है, और तीन ओवर का ये मैच है, अदील गए हैं साथ में उस्मान के। चले भाई, अहमद आ रहे हैं पहला बॉल करने के लिए, और एज लगा था लेकिन कैच नहीं हुआ, तेज़ बॉल था, अच्छी जगह पे बॉल किया था ऑफ स्टंप पे, ये बॉल खींचने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पीछा पड़ा हुआ बॉल था, स्किड भी करता है इस विकेट पे बॉल, और मान को यहाँ पे तगड़ी नहीं खेलनी पड़ेगी जब तक स्ट्राइक पे, जितनी बॉलें खेलते हैं। दूसरा बॉल करेंगे अहमद, पहला बॉल डॉट हुआ है और शॉट लगा है, ये देखें आप उस्मान की क्लास है भाई, अहमद तगड़े बॉलर हैं, लेकिन एक प्रेशर होता है सामने, उस्मान लेफ्टी भी किसी से कम नहीं है, कराची की टॉप क्लास लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, टॉप नॉच बॉलर्स को फेस करते हैं, और यहाँ पे तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। चार बॉलें अभी भी रहती हैं इस ओवर की, उस्मान ने एक छक्का मार दिया अहमद को पहले ओवर में, दो बॉलें हुई हैं, छः रन हैं, तीसरा बॉल करने के लिए आ रहा है अहमद, और एक और ये कैच हो सकता था लेकिन सिंगल मिला है अदील को, अच्छा बाउंसर किया था अहमद ने भाई। तीन बॉलें सात रन हैं, चौथा बॉल फेस करेंगे अदील अहमद का, वाइड बॉल हुआ है और फंबल भी हो गया भाई, एक रन एक्स्ट्रा का भी मिलेगा, उस्मान को स्ट्राइक मिल गई है, तीन मौने नौ रन हो गए और रन हमारे अच्छे हो गए, छक्के से स्टार्ट मिला था इस ओवर का, नौ रन हो चुके हैं, एक छक्का यहाँ पे अगर और लगता है तो ये ओवर नियर टू 15-18 पहुँच जाएगा। उस्मान काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, अच्छे बैट्समैन है, प्रेशर नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं लेते हैं, ये अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी होती है, चाहे सामने कितने तगड़ा बॉलर हो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड उस्मान इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे तीन बॉल हो चुकी हैं, मान तीन नौ है ना, ठीक है शाबाश, चौथा बॉल करेंगे उस्मान, सॉरी अहमद उस्मान को, और ओए ये ऑफ स्टंप पे शॉट लग गया है, अहमद ने बॉल किया था लेकिन कैच नहीं हुआ है सेफली, दो रन बनने चाहिए, ये थ्रो आ गया है, दो रन बन गए उस्मान ने, खाली एरिया में बॉल गिर गया था, वहाँ पे फील्डर फॉर्चुनेटली कोई नहीं थे, और 11 रन हो चुके हैं चार बॉलों पे, रन अभी भी बुरे नहीं हैं अहमद के ओवर में, ये अच्छे रन हैं, दो बॉलें बड़ी क्रूशल होंगी ये हमारे लिए स्पेशली, अहमद अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये बॉलें डॉट करवाएं या सिंगल डबल पे मैच चले, बाउंड्री ना कंसीड करने दें, और यहाँ से उस्मान पूरी कोशिश करेंगे कि एक आध बाउंड्री ले लें दो बॉलों पर। पाँचवा बॉल देखते हैं अहमद का, और एक और छक्का, यार क्लास है यार इस लेफ्टी की, क्या बात है, कैमरे से काफ़ी दूर गया है बॉल भाई, बहुत अच्छे यार मान, ये देखें आप बॉयज़ हमारे वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं,
बहुत अच्छे यार मान, क्या बात है तेरी यार, एक्सीलेंट बैटिंग। मैंने आपको बताया था उस्मान किसी से कम नहीं है। और यहाँ पे अपनी शो कर रहे हैं क्लास को, प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को। 5 बॉल हो चुकी हैं, लास्ट बॉल है और एक और शॉट ये लगा है, लेकिन 2 रन बनेंगे, पीछे गया घर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। एक में 19 आ गए, हमका ये अच्छी बैटिंग कर दी यार उस्मान ने, तगड़ी बैटिंग करी। बॉलर तो इनके और भी अच्छे हैं, सारा गेम है रन का, 55 रन लगाएंगे, 60 रन लगाएंगे, ईजी हो जाएगा अपने बॉलर्स के लिए। पहले ओवर में तगड़ी बैटिंग कर दी है उस्मान लेफ्टी ने, रनिंग एंड पर मौजूद हैं। अब दूसरा ओवर जो है वो अदील फेस करेंगे, हुसैन आए हैं बॉलिंग पे। 3 ओवर का ये मैच है, लेट्स सी कि कितने रन करते हैं हम लोग। मुझे लग गया ये बॉल, जानी मना कर दे, मैं बंद कर दूंगा कैमरा, मसला नहीं है। खैर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबे हाँ यार सही बोल रहा है यार, चलें भाई, कोई बॉल नहीं। और 2 रन यहाँ पे हो चुके हैं, वाइड बॉल किया था हुसैन ने, एक्स्ट्रा का 1 रन मिला है। उस्मान लेफ्टी जो है वो पहला बॉल फेस करेंगे इस ओवर का, और वाइड बॉल हुआ ये वाला भी, रन मिल जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, एक और एक्स्ट्रा का रन मिलेगा, कीपर ने थ्रो कर दिए लेकिन अदील ने दूसरे रन से मना कर दिया, रिस्की हो सकता था, रन आउट हो सकते थे। तो एक बॉल और कोई बॉल नहीं हुआ, बल्कि 4 रन हो चुके हैं यहाँ पे। ये हमारे लिए अच्छा ओवर साबित होता हुआ दिख रहा है मुझे, इस ओवर को कैश करना चाहिए इन दोनों को। शाबाश अदील, कैश करियो उसको, शाबाश। कोई बॉल नहीं, 4 रन दे चुके हैं हुसैन यहाँ पे। पहला बॉल और शॉट लगा है अदील का, कवर पे छक्का होगा भाई, ये देखें आप, सामने गिरा आपके बिल्कुल। बहुत छेड़े, इस ओवर का भी तगड़ा स्टार्ट मिल गया यहाँ पे, 10 रन हो चुके हैं एक बॉल पे। बहुत छेड़ी, बहुत अच्छे। इस ओवर को मैंने बोला है कि कैश करना, क्योंकि एक्स्ट्राज ऑलरेडी वो कर चुके हैं, थोड़ा सा थक भी गए होंगे। एक बॉल 10 रन हो चुके हैं, दूसरा बॉल फेस करेंगे अदील, और एक और शॉट लगा है अदील का, ये भी छक्का होगा भाई। क्लास है यार, गुड शॉट यार, क्लास का फ्लिक किया यहाँ पे अदील ने। बहुत अच्छे यार, पठान अप्रिशिएट करने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी तगड़ा शॉट था ये, काफ़ी अर्ली आए थे, क्विक आए थे अदील बॉल पे, मुश्किल होता है ये शॉट लेग स्टंप पे फ्लिक करना। 2 बॉलों पे रन आ गए हैं 16, और 4 बॉलें स्टिल लेफ्ट हैं इस ओवर की। उस्मान ने कोई बॉल फेस नहीं किया अभी तक, अदील ही इतना अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह। तीसरा बॉल फेस करेंगे, और तेज़ बॉल था, वाइड बॉल हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा का एक और रन मिलेगा। तो 2 बॉलों पर रन हो गए हैं 17, 2 बॉलों पर 17 रन हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ये दोनों अगर खेलते हैं 3 ओवर्स तो रन अच्छे हो जाएंगे। तीसरा बॉल करेंगे हुसैन, और एक और शॉट लगा है यार अदील का, ये तो बहुत बड़ा छक्का लग रहा है मुझे, देखते हैं कहाँ गिरता है बॉल। ओए कैच हो गया भाई, ये ग्राउंड के अंदर कैसे रुक गया बॉल है। ये तो बैड लग है यार, शॉट तो तगड़ा लगा था भाई। अदील ने काफ़ी लंबे एंड पे शॉट मार दिया था, ऐसा यहाँ से लग रहा था कि 6 हो जाएगा, लेकिन आउट हो गए। हारिस भाई आए हैं भाई, और तगड़ा बॉल, अच्छा यॉर्कर था। लेट्स सी के 1 बनता है या 2 बनता है, 2 बन जाएंगे भाई। विकेट पे कोई भी नहीं है, कॉल वहाँ से यही है कि तीसरा रन कर लो। चलो चलो ठीक है हारिस भाई, ठीक है, 1 लग जाएगा, शाबाश। 4-19 हैं, 4 बॉलें 19 रन हो चुके हैं। पहले ओवर में भी अच्छे रन थे, दूसरे ओवर में भी रन अच्छे हैं। 2 बॉल स्टिल लेफ्ट हैं इस ओवर की, और वाइड बॉल होगी भाई, वाइड बॉल हुई है, 20 रन हो चुके हैं इस तरह। तो एक्सपेंसिव ओवर ये हो गया है बॉलिंग साइड की तरफ से, और हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा ये। पहले ओवर में थे 19, इसमें आ गए हैं 20, 39 टोटल हैं। 5वां बॉल करेंगे हुसैन, शॉट लिफ्ट नहीं हुआ हारिस भाई का, सिंगल बनेगा, मामू के पास बॉल गया है और सिंगल बनाए। 21 रन हो चुके हैं 5 बॉलों पर, 5 बॉलें 21 रन हैं, और हुसैन अपने ओवर का आखिरी बॉल करेंगे। उस्मान इस ओवर का पहला बॉल फेस करेंगे, और वाइड बॉल हुआ ये, एक और वाइड। तो हुसैन का एक्सपेंसिव ओवर, एक्स्ट्रास भी कर गए, 2 बाउंड्रीज भी लग गई इनको। अब मान 1 मारना है, शाबाश, स्कोर अच्छा हुआ है। उस्मान विकेट पे मौजूद हैं अभी तक, 7 बॉलें सेलिंग की रहती है। 1 बाउंड्री अगर आ जाती है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और शॉट लगा उस्मान का लेकिन लिफ्ट नहीं हुआ, सिंगल ही बनेगा। 23 रन हैं,
काफी अच्छे रन है ये भी इस ओवर के, 23 आए इस ओवर में। हाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ 20 का माइंड बनाओ ना। हाँ रन अच्छे हैं आरिफ भाई, लेके चलना आप लोग रन के ऊपर। यार ये बच गया तूने, बहुत लंबे हैंड पे मार दिया, मुझे लग रहा था यार कि 6 हो गया, मैंने वीडियो में बोला भी है जब, पता नहीं कैसे कैच हो गया। पूरा ओवर खेलना, शाबाश चले भाई। खिजर आए हैं, 2 ओवर में 42 है, तीसरा ओवर करेंगे खिजर। ओए अबे मेरे पीछे क्यों लगे हो सारे, एक और वाइड हुआ ये स्टार्ट, खिजर ने वाइड से लिया है तो कोई बॉल नहीं, एक रन मिलेगा सोवर में। 43 हो चुके हैं टोटल, और यहाँ का मोटिव जो हमने बनाया है इस मैच का वो 60+ बनाया है। लेट्स सी कि हम कामयाब होते हैं नहीं होते हैं। और पहला छक्का लग गया भाई उस्मान का, काफ़ी दूर गया ये, 2 गए वो तो बहुत दूर से गई है। तो 6 हो गया ना फिर तो यार, बाहर आ गई है ना बॉल, ये क्या बात हुई, बॉल मंगा लो यार, या बॉल क्यों मंगाओ भाई, अब यहाँ से दिख रहा है 6। अबे भाई बॉल अगर घर में चली गई और हेलो वालों छोड़ के बाहर गिरी, मैं आपसे रोड पे जाऊं बॉल लेने के लिए। सही बात है, सही है, सही है भाई। हां पठान उससे बात करते हैं। 6 पता नहीं था ना उसका घर में बाहर आने, अबे यहां से क्लियर देखा है यार, बॉल क्रॉस जाता है, बॉल अलग पता चलता है यार, बहुत दूर चली गई है बॉल, पता नहीं मिले ना मिले तो अजीब सी बात है ना, बॉल बहुत आगे से गई है, बॉल मिले ना मिले ये कोई बात थोड़ी, को बॉल मंगवा लो। क्या मसला हो गया भाई, भाई 6 है यार, क्लियर 6 है भाई, कवर कर रहे हैं। सारे सारे 6 दे रहे थे वहां से लग गए, यहां पे आ गए सारे 6 दे रहे थे, अभी एक ने भूल दिया ना बस, यहाँ से लेग अंपायर देख रहा है, वहाँ से स्टेट अंपायर को नहीं देख रहा है, कैमरे में किया लेकिन कैमरे में लाइट आ गई सामने, ले आओ 6 हो जाए। हाँ ये कौन सी बात, हमारे यही काम है, 15 मिनट बाद बॉल आएगी तो 6 होगा 15 मिनट के बाद, बॉल ढूंढते रहेंगे क्या, पठान तुम क्यों बोल रहे हो बिला वजह की, कंटिन्यू करो मैच, क्यों रोना धोना, अंपायर खड़े में, अंपायर का डिसीजन पूछ लिया, 6 बोल रहा है वो, कौन खड़ा घबरी में और क्या भाई, जो गलत है वो है ना यार, चले भाई काफी देर फैसला ये हुआ है कि 6 है, अंपायर से मिसजज हुआ था, फील्डर ने खुद ये बोला है कि बॉल बाहर आया लग के, तो 6 रन है और एक बॉल इस तरह 7 रन हो चुके हैं, तो ओवर का स्टार्ट इसका भी अच्छा मिल गया हमें छक्के से, दूसरा बॉल फेस करेंगे उस्मान, और एक और तगड़ा छक्का यार उस्मान का, ये देखें आप फ्लिक चेक करें लड़के का, क्या बात है यार मानी, बहुत अच्छे यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या ही तगड़ा फ्लिक मारा है यार उस्मान ने, उस्मान का मैंने आपको बताया था अगर 3 ओवर ये खेलते हैं तो रन्स कर जाएंगे, इस ग्राउंड में वैसे भी रन्स अच्छे करते हैं, अच्छा बैट आता है, 2 बॉल है 13 रन्स, वाइड बॉल, रन नहीं करेंगे उस्मान, कोशिश करेंगे कि खुद खेलें, अच्छा खेल रहे हैं, रिदम बना हुआ है अभी, टेम्पो बना हुआ है अभी, 3 ओवर खेल चुके हैं ऑलरेडी, 2 बॉलों पे 14 रन हो चुके हैं,
तीसरा बॉल है खिजर का और एक और वाइट। खिजर कोशिश ये कर रहे हैं कि लेग स्टंप पे बॉल करें, खिंचा हुआ। क्या हो गया, दो बॉलें 15 रन्स। चलो यार सही है, दो रन्स एक्स्ट्रा के कर गए, 3 रन्स बल्कि खिजर, और दो छक्के लगे इनको दो बॉलों पे। उस्मान यहाँ पे तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं भाई, और ये गैप में गिरा है बॉल, 4 हो जाएगा मेरे हिसाब से। गुड शॉट यार, जब आप किस्मत के साथ, किस्मत आपके साथ अच्छी हो तो फिर आपका दिन बना हुआ होता है। बहुत अच्छे मान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 बाकी हैं अभी भी, शाबाश। 19 आए हैं 3 पे, 3 बॉलें 19 रन्स, रन्स काफ़ी अच्छे आ गए, तीनों ओवर्स में रन्स अच्छे लिए हमारे बैट्समैनों ने, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ओए ये शॉट रह गया, कनेक्ट नहीं हुआ पूरा, हारिस भाई को स्ट्राइक मिली है। चलें भाई खिजर के ओवर का 5वां बॉल देखते हैं। रन्स कितने आए हैं ये पूछते हैं अभी। ओए नो बॉल, बीमर था, और एक्स्ट्रा का रन भी एक मिल जाएगा। अबे बल्ला तो लगाते, कितने आ गए मान इसमें, 22। 4 बॉलों पे 22 रन आ चुके हैं भाई, 2 ओवर में 42 थे, 64 तरह टोटल हो चुके हैं, जो कि गुड टोटल है। एक चक्कर लगता है तो 70 प्लस विन होगा यहाँ पे। और ये शॉट लगा लेकिन आधा लगा है उस्मान का, सिंगल बनेगा। हारिस भाई को स्ट्राइक दिए, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग हारिस भाई फेस करेंगे। शाबाश हारिस भाई, 23 रन आ चुके हैं इस ओवर में 5 बॉलों पे। इनिंग का लास्ट बॉल देखते हैं कहाँ पे फिनिश होता है ये, और डॉट बॉल, डॉट बॉल, अच्छा बॉल था ऑफ स्टंप पे, कनेक्ट नहीं हुआ हारिस भाई से। कोई बात नहीं, रन अच्छे हैं भाई, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, बहुत अच्छे यार मान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, थैंक यू, थैंक यू, तगड़ी बैटिंग करी काफी अच्छे के बाद, इतनी पूरी अपनी बैटिंग करी, अभी भी इसके एक दो छक्के का, हां एक एक बैटिंग कर रहे हैं, हां खैर है कोई बात नहीं, रन्स अभी भी अच्छे हैं भाई, 55 था हम 65 पे आके हैं, इट्स अ गुड गाइस, ऐसा ना मोसे ना हमारे पास ऊपर से मैच चलाते हैं, देखते हैं, और साउथ भी आज गेंदे कर रहा है, हां इंशाल्लाह तआला होप फॉर द बेस्ट भाई। देख ऐसा रन्स अच्छे हुए हैं, लेकिन तू अपना तगड़ा ओवर करियो, शाबाश, तू अच्छा ओवर कर देगा, मैच आधा वैसे ही उनके लिए, वैसे ही पहला मैच हारे हुए, हाँ कोशिश करेंगे जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, हाँ तेरी ताकि मेहनत जो है ना वसूल हो जाए, देख रहा पसीने देख। ले भाई एहसन पहला ओवर करेंगे, एहसन को तगड़ा ओवर करना पड़ेगा यहाँ पे, 66 का विन है, बट क्रिकेट है कुछ नहीं पता किसका दिन हो, चेज भी हो सकते हैं। एहसन अगर तगड़ा ओवर यहाँ पे करते हैं, मेन ओवर है एहसन का, और शॉट लगा है एज यहाँ पे, सिंगल ही बनेगा, अच्छी थ्रो पठान की, बैकअप वहाँ पे अच्छा किया है वलीद ने, अच्छा बॉल किया था एहसन ने, तगड़ा बॉल किया था, तेज बॉल किया था, और अब हुसैन जो है वो स्ट्राइक पे आ गए, दूसरा बॉल फेस करेंगे। हाँ सनी ज्यादा हुए, वापस चला जा। चले भाई इसीलिए तो बोल रहा हूँ वापस चला जा। हुसैन दूसरा बॉल फेस करेंगे एहसन के ओवर का, काफ़ी रन्स हैं, 21 रन्स का ऑलमोस्ट या 22 रन्स का यहाँ पे एवरेज है 66 के डिफेंड में, तगड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी दोनों को, अजीम और हुसैन को, नीचे वाले जो भी बैट्समैन हैं उनके। और शॉट लगा है ग्राउंडेड शॉट, फात के पास बॉल गया, अच्छी फील्डिंग फात की, सिंगल ही बनेगा, सिंगल सिंगल से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, अनटिल एंड अनलेस कोई 2-4 छक्के ओवर में लगे। दो बॉलें हो चुकी हैं, दो बॉलों पर 2 रन्स बने, फील्डिंग अच्छी हो रही है हमारी जानिब से। तीसरा बॉल करने के लिए आ रहे हैं एहसन, थोड़ा रेस्ट लेके बॉल कर रहे हैं, सोच के बॉल कर रहे हैं, बड़ा मैच है, अच्छे बैट्समैन है सामने। ओए तगड़ा बॉल एहसन का, क्वालिटी बॉल एहसन की, बहुत अच्छे एहसन, काफ़ी क्विक बॉल था, अच्छी जगह पे बॉल था, ये बॉल इस जगह पे किया था बिल्कुल विकेट और पत्थर के बीच में, बैट नहीं आया अजीम का, थोड़ा लेट हो गए थे। बहुत अच्छे एहसन, एहसन 3 बॉलें तगड़ी कर गए हैं भाई, 2 रन्स हैं, कोई डैमेज नहीं हुई अभी तक, जो कि बहुत अच्छी बात है। चौथा बॉल करेंगे और अच्छा शॉट,
अच्छा बॉल था शॉट की, यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी अजीम को, तगड़ा शॉट था, अच्छा फ्लिक था, बॉल बुरा नहीं था। और लेफ्टी का ये एरिया भी छोटा है, आसानी से अगर शॉट आपका पूरा नहीं भी लगता है तो छः हो जाएगा। चार बॉलों पे 8 रन हो चुके हैं और मज़ीद अब किसी बाउंड्री की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो नेक्स्ट बॉलर को रन मिलते रहें। पाँचवा बॉल करेंगे एहसन, और एक और छक्का भाई अजीम का, काफ़ी बड़ा छक्का, नो बॉल भी हुआ है मेरे ख्याल से, अंपायर ने नो बॉल भी दिया है, तो 14-15 रन हो चुके हैं यहाँ पे चार बॉलों पे। क्या हो गया इसको, अचानक तीन बॉलें बहुत अच्छी की थी, 15 आ गए चार पे, 4 पे 15 आ गए, ठीक है दो बॉलें अच्छी खेले फिर भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहसिन का मैच ओवर होगा, मोहसिन को मेरे ख्याल से खेला नहीं है नौ में सभी किसी ने, हाँ ये भी मसला है, तबीयत खराब है वो कर दे बस अल्लाह करे। चलें भाई 15 रन यहाँ पे आ चुके हैं चार बॉलों पे, मैच अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जितने रन हमने किए हैं मैच क्लोज जाएगा, क्योंकि सामने वाली साइड भी अच्छी है। चार बॉलें 15 रन, पांचवा बॉल करेंगे एहसन, और अच्छा बॉल, ये अच्छा बॉल है, तेज़ आने का बोला एहसन ने, एहसन को अच्छी फील्डिंग पठान और एहसन की जानिब से, 5 बॉलें 16 रन हैं, अभी भी इतना बुरा ओवर नहीं है ये इस ग्राउंड के हिसाब से, 5 बॉलें 16 रन, ये बॉल इम्पॉर्टेंट है, डॉट करा देते हैं अगर एहसन तो, शॉट लगाए, सिंगल बनेगा सलमान की जानिब से, अच्छी फील्डिंग, सिंगल, गुड ओवर है, 17 रन आए हैं इस ओवर में, बकअप हुए हैं गाइस सारे भाई, एक ओवर का नुकसान पे स्कोर हुआ जाता है 17 रन और 0 आउट, बचे पीछे दो ओवर, एक ओवर मोहसिन का और एक ओवर देखते हैं, मैच ओवर है भाई, ये मैच ओवर है, अगर ये ओवर 10 के अंदर हो गए तो इंशाल्लाह हम फाइनल क्वालीफाई कर जाएंगे, अगर ये लंबा हुआ तो फिर आखिरी ओवर का गेम बचेगा। भाई मोहसिन आ गए हैं दूसरे ओवर पे, क्या मुन्ना मुन्ना लेकिन बैटिंग कर लिया, आप कराओ यार, आप कराओ यार, आप कराओ, चलो चलो बाबू, वहां पे कॉल हो रही है कि भाई पता नहीं किस चीज की कॉल है, अभी देखते हैं, पूरी कराची की क्रिकेट अहमद खेलना हमने बड़े दिन से खेला ना यार, चाहते उसको भी बोल सकते थे, तो नहीं ना उनको वापस भेज दूंगा कहीं खेला जा रहा तो मेरी बात सुनो, नेशनल खेलता है भाई, नेशनल यार तो इसका भी तो नहीं घूमता यार, घूमता है ये तो चीजें होती है, अहमद भट्टा खेलना क्रिकेट अजीम ने नहीं खेला, अहमद भट्टा एक मिनट, अहमद भट्टा से पहले भट्टा था, क्रिकेट अच्छी खेली अलाउ हुआ, ये भी हर जगह से खेल रहा है, अहमद के पास जाओ जहाँ अहमद खेला वहाँ ये भी खेल रहा है, तो अजीम भी तो करा रहा था ना, अजीम दो भट्टे क्यों अलाउ कर रहा है, ये क्या बात हुई, एक भट्टा अलाउ, अगले हफ्ते 3 भट्टे ले आओ अलाउ कर देंगे, की नहीं है बात ये, क्या हमने हटा लिया ना, कमेटी ने बोला आपने अहमद इसको हटा दो भाई, तो कमेटी मैं हूँ, मुन्ना बोला हमने हटा लिया, अच्छा मैं मना कर रहा हूँ ना, मुन्ना से पूछ लो भट्टा है नहीं, मुन्ना अलाउ करते नहीं करता, बात करो मुन्ना ने उसको बॉल नहीं करने दी, तो मुन्ना ने ऐसे नहीं करी थी, वो पूरा भट्टा है, वो तो अहमद बोलता है, टाइम बोला था हमने, हम बोलने अगर ये भट्टा है ना अजीम भाई, हमने ये बोला था आप खेलते दो यार, खेलते आप तीन में से दो बट्टा ला रहे हो, अगर हमारा एक इस्तेमाल हो रहा है तो आपको आग लग रही है, आप बोल रहे हो बट्टा आप खेलते दो, उसने खेलने ही नहीं दिया, खेला है मैंने बहुत बार उनको, लेकिन वो अलाउ नहीं है, अजीम भाई किस बड़े टूर्नामेंट में ओवर करते मुझे बताओ यार, यहाँ करके गए मैंने देखा है यार, बड़ा टूर्नामेंट है यार, बात बड़े टूर्नामेंट की, 15-16 का टूर्नामेंट है, अहमद बट्टा करता है यार, बट्टा करता है ना, अहमद ये कवर करा, हमारा ये कवर आ रहा है, हमारा भी ये कवर किया है, हमें चिरा, हमने बड़े दिल से खेला ना अहमद को यार, बड़ी क्रिकेट खेला अलाउ हो गया, मैं लड़ ही रहा, मैं तो बोल रहा हूँ अहमद को अलाउ ही नहीं है, अजीम भाई ये आपको बता रहा हूँ, कौन सी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ग्राउंड से ये खेल रहा है, अजीम भाई बट्टा है नहीं, और बड़े बट्टा है ना, मतलब यही बोल रहा हूँ मैं, अब मेरी बात सुनना, मोहसिन का जो पेस है ना एक ही रहता है,
बट्टा क्या होता है एकदम खींच के मारे, इसलिए मना कर रहा था क्योंकि क्रिकेट खराब होगी, मैं अलाउ कर देता ये बार बार मुझे बोलता। वो बात अलग है ना, वो बात अलग है, तो वो पहले भी तो पहला ओवर जो कराया है बोला ना, वो हाथ थोड़ी घुमा रहा है, हमने तो अहमद पे कुछ बोला ही नहीं है, हमें पता है क्रिकेट अच्छी खेलता है, वहां ओवर करता है जहां नॉर्थ कराची में बट्टा अलाउ होती है, तो जाएंगे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है यार, वो खेल नहीं रहे अभी, नहीं नहीं के नहीं नहीं ना खेलने दो, कोई मसला थोड़ी है, आपने मुझे बोला आप आदमी, तो मैंने कहा आप में से किसी को नहीं जानता हूं, मैं इनमें से सिर्फ इन तीन चार लड़कों को जानता हूं, आप लोगों की वजह से ना ये तीन चार लड़के बैन होंगे, मेरे टूर्नामेंट से कभी भी नहीं दिखेंगे, और ये इनका नुकसान, आपने मुझे बोला आप एंट्री दे दो, मैंने आपसे कोई गलत, आप फुल दे दो यार, मैं आपको फुल दे देता हूं, तो आप मैच क्यों नहीं खेल रहे, बुरा लग रहा है लोग देख रहे हैं, आपने नहीं किया, आपने गलत नहीं किया पहले यार, मैंने क्या एक टीम को फेवर दे दिया, आप तीन ओवर की क्रिकेट में दो बट्टा ला रहे हो और बोल लो कि मैंने गलत किया, आपने उस टीम को फेवर नहीं दिया, दो बट्टा गलत बोल लो ना, किसको निवाज सुन लिया, वो बट्टा मारता तो आप बोलते अहमद अलाउ है, अहमद के हसीम भाई ने अहमद ही नहीं करा दिया, आप लोग अजीम भाई को लिया है, फिर तुम अगले हफ्ते कोई और ले आओगे यार, बोल कराने तो देते, कराने का मतलब नहीं कर रहा है, मैं क्या होता ना नहीं पता, अजीम भाई पहला बॉल सही करते दूसरा तेज कर देना, वहां से मुन्ना बोलता नो बॉल, कराने तो देते यार, मैं कराने की बात नहीं है ना, आप समझ ही नहीं आ रहे हो यार, मोहसिन और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, एक रिस स्पिनर है, एक यहाँ से गेंद करता है, जो बात है मोहसिन का कोई बॉल तेज नहीं होता, सारा स्लो ड्रॉप होता है, और एक ही लेन तेज कर देंगे तो बात वही है, दो अलाउ कर दिया ना अगली टीम ना, तीन लेकर आई होगी बट्टा, ऐसा ही है, क्या हुआ मान गए ये लोग, एग्री हो गए, उन्होंने बोला तो है कि फील्ड पे चले जाओ, आप लोग देखते हैं बैट्समैन भेज रहे हैं वो या नहीं भेज रहे हैं, और वैसे भी सच्ची बताएं तो यार तीन बंदों को हम लोग तीन चार बंदों को जानते हैं, बाकी टीम बिल्कुल ही अलग ही है, वो मसला नहीं है यार, जो बात क्रिकेट की ना वो क्रिकेट तक रहे ज्यादा बेहतर है, दो बट्टे एक टीम में कैसे, हमने एक उनका झेल लिया, चलो खैर अब ये थोड़ी हर बॉलर उठ के आगे बट्टा मारेगा, चले भाई दो ओवर में रहते हैं 49 और मोहसिन कर रहे हैं यहाँ पे पहला ओवर, शॉट लगा मोहसिन अपना, दूसरा ओवर कर रहे हैं, मैच का भी दूसरा ओवर है, ये सिंगल बनाए, अजीम को स्ट्राइक मिली है और मैच ओवर होगा ये हमारे लिए, अगर छोटा ओवर ये होता है तो हम मैच में इन हैं, वरना थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं, फील्ड घूमेगी क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन है, चलें भाई, अच्छा बॉल, अच्छा बॉल और पठान की अच्छी कीपिंग, बहुत अच्छे मोहसिन, बैट्समैन को पूरा चेक किया था, निकल के चल के मारने की कोशिश की थी अजीम ने, तीसरा बॉल करेंगे मोहसिन, दो बॉलों पे एक रन है और ये लग गया है पहला छक्का, काफ़ी पीछे कर दिया था मोहसिन, गिर गए थे बॉल करते हुए, स्लिप हो गए थे शायद, तीन बॉलों पर रन हैं सात, अभी भी ओवर बुरा नहीं है, अगर तीन बॉलों पर कोई बाउंड्री कंसीड नहीं होती है तो ओवर अच्छा है, ये तीन बॉल है सात रन, चौथा बॉल मोहसिन करेंगे और एक और छक्का, भाई मोहसिन को दो छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, चार बॉलों पर रन आ गए हैं 13, अब जो है वो बाउंड्री की गुंजाइश नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले ओवर में 17 रन आ चुके हैं, है भाई मोहसिन, मोहसिन को यहाँ पे दो बॉलें बचानी पड़ेंगी और एक और कैच कर लिया भाई नोमी भाई ने, ड्रॉप कर दिया भाई, ये मैच कैच था यार, बहुत अच्छे नोमी भाई, नोमी भाई की एफर्ट बड़ी तगड़ी थी, अच्छी एफर्ट की वहाँ पे नोमी भाई ने, 14 रन्स 5 बॉलें, लास्ट बॉल है इस ओवर का, देखना होगा कि ओवर ये किस चीज़ पे एंड होता है, सिंगल पे, बाउंड्री पे, डबल पे, सिंगल पे एंड हो या डॉट पे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, और ये 6 हो गया भाई, डबल बैट का छक्का लग गया ये हुसैन का, डबल बैट का 6 हो गया भाई, रन पूछते हैं अभी कि कितने रहेंगे लास्ट ओवर में, भाई हारिस भाई और अदीर ये 29 का फिगर क्यों आता है इसके हिस्से में, खेलते भी सही है ये 29 जब भी आते हैं, और बैट्समैन दोनों तगड़े हैं, ओए ये 29 का फिगर क्यों आता है तेरे नसीब में भाई, और छक्के से अगर तूने स्टार्ट किया है ओवर सही सही है, 5 छक्के, रिलैक्स होके बॉल करिए, शाबाश, बॉल 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 लालो, द ओनली ऑप्शन वी हैव इज ऐसा करेगा हैं, किया ही नहीं पूरे दिन में, ओवर नहीं किया हुआ कोई, ले भाई 29 रन रहते हैं और एक बार फिर से एहसान को यहाँ पे जिम्मेदारी दी है, अजीम लेफ्टी है, 5 छक्के मारने हैं इनको, गुंजाइश नहीं है एहसान के पास भी कोई, और पहला छक्का लग गया भाई, सामने किया था बिल्कुल बॉल
और मैंने एहसन को बोला भी था कि स्टार्ट छक्के से नहीं देना, बैट्समैन को एक टेम्पो मिल जाएगा। एहसन ने बिल्कुल सामने किया है बॉल, पांच बॉलें चार छक्के हैं। अच्छा बॉल डेली हुआ है, ये अच्छा बॉल है। अगर ये बॉल आप खिंचा हुआ बॉडी पे तेज करते हैं तो बैट्समैन को टाइम नहीं मिलेगा इतना घूमने का। यहाँ पे बहुत अच्छे एहसन, एक बॉल अच्छा करना है और चार बॉलें हैं, 23 रन हैं। एक बॉल अच्छा करना है यहाँ पे, एक्स्ट्रास कोई ना करें बस। और दूसरा छक्का इस ओवर का, ये दूसरा छक्का है अजीम का। एहसन को मैच बचाना पड़ेगा भाई। अबे एक तो 29 का फिगर ही आया था इसकी बारी में, जो बात है और कंटिन्यू आ रहा है। चले भाई, तीन बॉलें 17 रन। अच्छा बॉल, वेल बोल्ड, ये सबसे अच्छा बॉल था अभी तक का। एक और छक्का भी अगर लगता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दी एंड मैच जीतना है बस। अभी मैच एंड नहीं हुआ भाई। चलें भाई, एक और तगड़ा बॉल। ये बॉलर, ये बॉलें अच्छी की हैं एहसन ने, तेज किया था, क्विक किया था, आधी विकेट पे बॉल किया था, स्किट करता ये विकेट, मैच जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह हम। शुक्र है भाई मैच जीत गए, कुछ कुछ अल्लाह अल्लाह करके। रन ज्यादा किए हुए थे ना, हाँ मैच बच गया, वरना तो मुश्किल हो जाता। पहले वाला सीन हो गया तो तीसरा वाला। चलो खैर, अब फाइनल इंशाल्लाह हमारा, फाइनल इंशाल्लाह फाइनल जीतने की कोशिश करेंगे। काफी टाइम हो गया, हां चलो फाइनल। सो गाइस, जो इससे पहले वाला मैच सेमीफाइनल वो खत्म हो गया, काफी अच्छा हमने रन लगा दिए, इससे हम बच गए। लेकिन अभी भी हमने 50-52 रन खाए, कोशिश करेंगे और ज़्यादा मार्जिन दीजिए तो आप फाइनल स्टार्ट होगा मुन्ना की टीम से। लाइट सी कैसा है होता है, क्योंकि उसकी टीम भी अच्छी है। तो ये थी हमारी अच्छी बड़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज़।